हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी भाई सबका अपना अपना तरीका है, अलग अलग। मेरा अपना अलग तरीका है बनाने का, तो मैं किस तरीके से बना रही हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मटर पनीर की सब्ज़ी मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मटर लिया है, एक पाव है मेरी मटर, और 300 ग्राम पनीर है, मलाई ले रखी है, और मसाले हैं यहाँ पे, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है आधा आधा चम्मच है सब कुछ, और गरम मसाला है, और धनिया पाउडर भी है, ये खड़े मसाले हैं, जीरा है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च है, गोल मिर्च और तेज पत्ता ले रखा है एक ही मैंने, और यहाँ चार प्याज है बड़ी काट रखी है उसको, लहसुन है, अदरक को कट कर लिया है अच्छे से, और पोस्ते के दाने को मैं भिगो दूँगी, और नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के हिसाब से लीजिए। तो फिर यहाँ मैं मसाला बनाने की तैयारी करूँगी। तो तेल गरम करने के बाद मैं उसमें खड़े मसाले डाल दूँगी और इनको अच्छे से होने दूंगी, और फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, लहसुन प्याज अदरक, इनको अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। तो जब तक मेरी ये प्याज मैं इधर मसाले तैयार करूँगी, तो मैं दूसरी तरफ इधर मटर को बॉईल करने के लिए मैं कुकर में चढ़ा दूँगी, ताकि मेरी मैं मसाले इधर तैयार करूँ तो तब तक मेरी मटर भी बॉईल हो जाए अच्छे से। तो एक सीटी आने तक इसमें नमक डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी, और नमक और पानी डाल के, और फिर इधर मेरी प्याज हो गई है, तो मैंने जो टमाटर काट के रखे हैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी, और टमाटर को भी हमको गलाने तक पकाना है, टमाटर हमारे गल जाएं तो हम उतना पकाएंगे। और मैंने यहाँ टमाटर ऐड कर दिया है, और इसको मैं ढक दूंगी ताकि मेरे टमाटर जल्दी से गल जाएं। तो ये देखिए टमाटर गल गए हैं अच्छे से। और ये पोस्ते का दाना है मैंने जो भिगो के रखा है इसको, और इसको भी मैं अच्छे से अभी भीगने दूंगी, और इधर मैं पनीर को कट कर लूँगी, आप अपने मनचाहे शेप पे काट लीजिए, लेकिन स्क्वायर में ही अच्छे लगते हैं, सभी ज़्यादातर से स्क्वायर में ही कट करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने पनीर भी काट लिए हैं, तो अब मैंने मेरे मसाले भी ठंडे हो गए हैं, तो अब इन मसालों में मैंने जो पोस्ते का दाना रखा था भीगने के लिए, तो उसको लेके इन सबको मिलाकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, मिक्सी जार में पीस लूँगी इसको। तो हमको इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ मैंने मसालों को भी पीस लिया है इन मसालों को, तो अब दूसरी तरफ मैं इधर कढ़ाई चढ़ा के मैं पनीर को भी फ्राई कर लूँगी। पनीर को मैं ब्राउन होने तक पकाऊँगी, ताकि मेरे पनीर अच्छे से ब्राउन हो जाए, और उधर दूसरी गैस पे मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लूँगी, जिससे ये पनीर फ्राई हो जाएंगे, तो मैं उसमें गुनगुने पानी में ही इसको पनीर को डाल दूंगी, तो मेरा पनीर क्या है सॉफ्ट हो जाएगा इससे, वरना पनीर फ्राई करने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है, और अगर आप पानी में इसको ऐड कर देंगे तो सॉफ्ट रहेंगे आपके पनीर और टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि पानी में मैंने हल्का नमक डाल रखा है।
तो जो मेरा एक्स्ट्रा ऑयल था पनीर फ्राई करने के बाद, तो मैंने उसको निकाल दिया है। तो यहाँ एक चम्मच तक करीब ऑयल है, उसमें मैं फिर से जीरा डालूँगी और हींग और तेज़पत्ता डाल के मैं इसको भूंज लूँगी। और फिर मैंने जो मसाले लिए थे पिसे हुए, उसमें उसका एक पेस्ट बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इनको मसालों को अच्छे से भूनना है तेल छोड़ने तक। जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगे तो समझो मसाला पक गया है। और फिर जो मैंने प्याज और टमाटर को फ्राई करके उसका पेस्ट तैयार किया है, उसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर इनको मसालों को अच्छे से भूंज लेना है फिर से। और जो फिर बॉईल करी हुई मटर थी इसी में ऐड कर दी है मैंने। तो यहाँ मटर ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से, अगर ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। और मैं यहाँ ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रखूँगी तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी पानी। मैंने आधी गिलास ही पानी इसमें ऐड किया है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और फिर मैं इसको ढक के थोड़ी देर पकने दूँगी और फिर उसके बाद मैंने जो मलाई ली है उसको इसमें डाल दूँगी। और नमक कम ही डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि मैंने मटर भी बॉईल करते समय नमक लिया डाला था उसमें, और जो पनीर को मैंने पानी में डाला था तो उसमें भी थोड़ा नमक था, तो इसलिए मैं नमक यहाँ कम ही डालूँगी। और अगर आप उधर नमक ना डालें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हो। कम ज़्यादा खाते हो, जैसे खाना चाहते हो आप उस तरीके से नमक डालिए। तो बस हम मेरी सब्ज़ी यहाँ पर हो गई है तैयार, और अब मैं इसको निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ या बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जितना हाउसवाइफ को आता है उतना ही मुझे आता है। तो बस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों।